और पीसी ब्रिज बुरला के पास हम लोग सुरेश मुंडा, उन्हें हर कोई जानता है। वो भी बहुत बड़े सोशल वर्कर है, एक समाज सेवी दूसरे समाज सेवी के साथ जुड़ गया है। आचार्य जो निहाल सिंह जो है एक समाज सेवी है और आपका उनसे अच्छा घनिष्ठ दोस्ती भी हो चुका है, तो इसके बारे में बताएंगे सर, निहाल बाबू के बारे में। निहाल बाबू तो बहुत दिन से मेरा मुलाकात है, आज से नहीं है। वो पहले से भी बहुत सोशल काम करता था, अभी भी सोशल काम कर रहा है। अभी जो भी पश्चिम उड़ीसा का जो प्रणाम केंद्र है बुरला मेडिकल, जितना भी आदमी आता है यहाँ पर निहाल को ही फोन करते हैं, आओ भाई आओ, हमारा अभी ऐसा ऐसा हो गया, दुख सुख थोड़ा बुझो। तो ये वहाँ से आने से उसको फिर बेड फेड दे के बुरला मेडिकल में वो भर्ती करता है, ट्रीटमेंट भी कर रहा है। उसका बाद वो ब्लड बैंक में भी वो किसी का ब्लड दरकार है क्या है, वही भी ब्लड भी वो दे रहा है। उसका बाद में वो कोई भी हमारा जो है भोता मिल रहा है, जो भोता बोल रहा है जो मर जाता है, उसका आदमी मर गया औरत काल के भत्ता कर रहा है, कोई लंगड़ा हो गया उसको भी वो गवर्नमेंट से वो पैसा दिला रहा है, किसको 20,000, किसको 10,000, किसको 5,000, ये सब कर रहा है। अभी जब हम लोगों ने गांव गया था सिंहपाली, तो वहाँ से भी स्टेटमेंट तो लिया है, अभी उसका भी वो अभी काम कर रहा है। तो हमारा ऐठावली में भी एक हमारा जो भी खड़िया लड़की था वो 10-11 क्लास कितना पढ़ता था, तो हम लोग को निहाल बाबू की बोला, तो निहाल बाबू भी उसको भी 10,000 रुपया दिला दिया है गवर्नमेंट से। वो काम कर रहा है पश्चिम उड़ीसा में, एक नंबर कर रहा है, गरीब लोगों का दुख सुख भी सब समझ रहा है। चलिए, अभी हमने सुरेश मुंडा सुना, निहाल बाबू, क्योंकि ये खुद एक समाज सेवी है सुरेश मुंडा, और आर्क भाई को ज़्यादा इम्प्रेस हो गया निहाल सिंह के बारे में, इसलिए वो निहाल सिंह की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं। आपकी आवाज़ समरपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।